इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि मशरूम के प्रकार और इनकी प्रजातियों का हम अध्ययन करेंगे। मशरूम के अंतर्गत किए गए शोध कार्यों का क्या निष्कर्ष निकला, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। मशरूम का आयुर्वेदिक विश्लेषण करेंगे और मशरूम के फायदों का संक्षिप्त विवरण इस वीडियो के अंतर्गत दिखाया गया है। इस वीडियो के जरिए हम मशरूम के जो प्रकार हैं, उसके आकार की और उसका जो पौष्टिक और औषधि गुणों का हम वर्णन करेंगे, देखेंगे। आपके सामने ये जो मशरूम रखा हुआ है, रियल में एक प्रकार का फफूंदों का फलनकाय है, जो बहुत अधिक पौष्टिक भी होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ साथ ये रोग रोधक भी होता है। जी हाँ, ये स्वादिष्ट होता है विशेष महक के कारण, जो आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण खाद्य आहार है। हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कितने प्रकार का होता है। आपके सामने जो ये मशरूम दिख रहा है, ये हम प्रकार की बात करें तो यह पैरा मशरूम है, हम बोल सकते हैं इसको पूटू के रूप में भी देख सकते हैं, और ये वोल्वेरियो प्रजाति का है ये जो पैरा पूटू है। और हम देखें एक प्रजाति होता आयस्टर मशरूम होता है, जो कि प्लोरोटस प्रजाति का होता है। और तीसरा जो होता है सफ़ेद दुधिया मशरूम होता है, जो केलोसाइबी इंडिका प्रजाति का होता है। चौथा जो होता है सफ़ेद बटन मशरूम, यह जो होता है अगेरिकस बाइपोरस होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मशरूम के चार प्रकार हो गए। तो हमारे सामने जो दिख रहा है ये पैरा मशरूम है, इसके बारे में देखेंगे कि पैरा जो मशरूम है और एक दुधिया मशरूम है, ये प्राकृतिक रूप से व्यापारिक उत्पादन की संभावना इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें जो साल में जो 12 महीना है उसमें सिर्फ 4 माह इसका उत्पादन किया जा सकता है। हम देखें कि मशरूम एकमात्र ऐसा खाद्य है जिससे जो सेवन से सभी प्रकार के जो पौष्टिक तत्व होते हैं जो मानव शरीर में पहुँचते हैं, जिससे हम बात कर सकते हैं कि कुपोषण को हटा सकते हैं, मतलब काफ़ी अधिक ये उपयोगी होता है। इसको तो कहीं पर भगवान का खाना भी बोलते हैं। जी हाँ, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम देखें कि मशरूम को खुम्ब खुम्बी या भमोड़ी या तो गुच्छी आदि नामों से जाना जाता है, और कहीं हम लोग बोलते हैं पोटू के रूप में। इसका जो अंग्रेजी नाम के बारे में हम बता चुके हैं, यह एक साधारण पौध संरचना है, मतलब रियल में फफूंद कहते हैं एक प्रकार का। ये दो भाग हैं इसके, मशरूम के दो भाग बोल सकते हैं। तो एक आपको दिख रहा है ये पहला भाग छतरी के रूप में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और दूसरा भाग होता है डंडी के रूप में। जी हाँ, दोनों भाग ही खाने योग्य होता है। जो छतरी छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह होता है, जबकि जो डंडी की रचना एक प्रकार का डोरीदार होता है। जी हाँ, इसको अचानक निकालेंगे तो रेशेदार होता है ये। हम देखते हैं कि मशरूम को सड़े हुए जैविक पदार्थ जैसे कि खाद हो गया या भूसा हो गया, पुआल आदि में उगाते हैं हम। इसमें जो भी सड़ा आसानी से सड़ जाए, जो पेरे हो गए, उसमें हम इसको उगाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सूर्य का प्रकाश आपको दिखे, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता बहुत कम होती है। और ये जो मशरूम जो है रियल में संपूर्ण जो विश्व में है विशेष स्थान रखता है अपना। जी हाँ, मशरूम में जो काफ़ी मात्रा में जो प्रोटीन होता है, फोलिक एसिड और विटामिन मिनरल होते हैं। जो फोलिक एसिड होता है रियल में जो एनीमिया को दूर करने में एक चिकित्सीय महत्व रखता है। जी हाँ, मशरूम के में चमत्कारिक गुण होने के कारण इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बिल्कुल कम होती है, और ये भार घटाने में भी महत्वपूर्ण होता है। हम बोल सकते हैं कि जो फोलिक एसिड की उपस्थिति के कारण ये जो मशरूम जो होता है एनीमिया जो रोगियों के लिए काफ़ी अधिक उपयोगी है, जिनको ब्लड की कमी होती है ना, रक्ताल्प होता है, उनके लिए काफ़ी अधिक होता है। और ये पौष्टिक भी है, मतलब कुल मिला के बोला जाए कि आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण खाद्य आहार है। इसमें हम देखेंगे इसमें अम्ल भी एक प्रकार का उपस्थित होता है। जी हाँ, इसमें देखते हैं कि ग्लूटामिक अम्ल, जो ग्लूटामिक अम्ल होता है वह इसमें उपस्थित होता है। हम देखते हैं स्पर्श करने में इसको गुदगुदा होने के कारण अधिकांश लोग इसे मांसाहार समझते हैं, मगर जो कि सर्वथा गलत है। मशरूम जो होता है एक शुद्ध शाकाहारी भोज आहार है। और रियल में ये जो कृषि अपशिष्टों जैसे गेहूं का भूसा हो गया, पैरा कुटी हो गया, सरसों की भूसा हो गया, कोदो कुटकी, जो भी रागी मक्का कपास आदि के जो अवशेष में आसानी से हम इसको उगाया जा सकता है। जो मशरूम में प्रोटीन भी हो गया, विटामिन डी भी हो गया, फाइबर भी हो गया, एमिनो एसिड भी हो गया, और जो महत्वपूर्ण होता है जर्मेनियम और सेलेनियम जो होता है, जो कैंसर से हमारी रक्षा करता है। जी हाँ, और जिंक जैसे जो पोषक तत्व भी पाए जाते हैं मशरूम में। जी हाँ, और यही जो नेचुरल
जो एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ही जो एंटीवायरल गुणों से भरपूर होता है ये। चीन में तो इसे औषधि का दर्जा दिया गया है। वहीं हम बात करें रोम के लोग मशरूम को भगवान का खाना भी मान। चलिए हम संक्षिप्त रूप से मशरूम के फ़ायदों को जान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मशरूम का जो पहला फ़ायदा तो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा धड़कन है मतलब दिल के लिए काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मशरूम में जो मौजूद होता है फाइबर हो गया, पोटेशियम हो गया, विटामिन सी हो गया, और जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं ये जो हैं। इसके अलावा जो बीट ग्लूकेन नाम का एक तत्व जो होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल कम कर देता है, और जो भी कितनी प्रकार की जो हाई न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, जो कि दिल को सुरक्षित रखता है और जो स्ट्रोक का खतरा को भी कम करता है। हम देखें दूसरा बात कर लें तो ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी होता है और कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है ना, इसी वजह से ये हड्डियों के लिए काफ़ी अधिक फायदेमंद। और ये जो है कैंसर से हमें बचाता है। मशरूम में जो प्रचुर मात्रा में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हानिकारक जो फ्री रेडिकल्स से शरीर को प्रोटेक्ट करता है। जी हाँ, ये जो फ्री रेडिकल्स कैंसर का सबसे बड़ा कारण होता है, जिससे हमारा कैंसर होता है, और उससे ही हमको बाकायदा सुरक्षित करता है ये मशरूम। काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है, मतलब काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हम देखें कि इस कोरोना काल में तो प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ा के रखना है, तो उसके लिए काफ़ी अधिक अच्छा होगा कि मशरूम में जो मौजूद होता है सेलेनियम हो गया, आर्गोथिनियम हो गया, ये जो तत्व होते हैं रियल में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं और घटने नहीं देते। मशरूम में जो विटामिन ए हो गया, बी हो गया, विटामिन सी भी हो गया, मशरूम तो खट्टा होता नहीं है मगर विटामिन सी भी हो गया इसमें भरपूर मात्रा में मिलता है, जो मतलब शरीर से रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करता है। NCBI की जो वेबसाइट है उसमें प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि जो आइस्टर मशरूम पर जो 46 वर्ष की जो आयु वाले लोगों पर जो 24 दिन तक शोध किया गया, और शोध से जो रिजल्ट आता है उसमें बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड जो नियंत्रित करने वाले जो तत्व होते हैं वो मशरूम में ही होते हैं। मतलब मशरूम का सेवन करने से काफ़ी अधिक आराम महसूस करते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल था वो भी काफ़ी अधिक उसका स्तर कम हो जाता है। मधुमेह को दूर करने के लिए मशरूम के काफ़ी अधिक फायदे हैं। जो NCBI का जो शोध प्रकाशित हुआ था उसमें बताया गया कि मशरूम में जो एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो रक्त में जो मौजूद शुगर की मात्रा को कम करते हैं, और बताया गया कि मधुमेह को दूर करने वाली जो दवाओं के साथ अगर इसका सेवन किया जाए तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट आता है, और ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। और हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो पॉलीसेकेराइड से समृद्ध होता है ये पूरी तरह से, जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जो मशरूम में ही प्राप्त होता है। वजन को कम करने में मशरूम के जो फायदे काफ़ी अधिक आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि चीन की एक शोध संस्था के अनुसार फाइबर की जो मात्रा है उसको बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड और टेरपेन और पॉलीफेनॉल और क्वेरोनाइट्स और कैरोनोइड्स जैसे कई बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, जो मोटापे के कारण होने वाले जो हृदय संबंधी समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो मशरूम में एंटीओबेसिटिक गुण भी होते हैं जो बढ़ते हुए वजन को कम करते हैं। हम देखें कि जो हृदय के लिए भी मतलब स्वस्थ हृदय के लिए भी मशरूम काफ़ी अधिक उपयोगी होगा, अच्छा भी होगा, क्योंकि यह जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को भी बेहतर करता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जो अच्छे चयापचय को खाने के लिए पाचन तंत्र को भी अच्छे से ये मजबूत करता है। हम देखें कि चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे मोटापा हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम इसका उपयोग करें तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। पेट की जो समस्या हो गई उसको भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी भी मशरूम अर्ग के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, उसमें भी आप आसानी से हम उसका सेवन करके भी हम पेट की समस्याओं से भी दूर पा सकते हैं, जैसे कि अल्सर हो गया तो मशरूम खाने से कब्ज भी और अल्सर भी कम हो जाते हैं, क्योंकि मशरूम में अधिक से अधिक फाइबर होते हैं। हम बात कर लें विटामिन से भी भरपूर होता है ये। हम तो पहले बोल चुके हैं कि विटामिन B1, B2, B9, B12, BC, विटामिन डी इसमें पाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी भ्रूण के लिए फ़ायदेमंद होता है। हम बात करें एनीमिया की रोकथाम में भी होता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, त्वचा को हाइड्रेट करने के लिए भी काफ़ी अधिक अच्छा होता है, क्योंकि त्वचा को कोमल और हाइड्रेट बनाने में इसका ही उपयोग किया जाता है। अभी बीच में NDTV और दैनिक भास्कर पत्रिका में ये बताया गया था कि एक कांग्रेस नेता है, उन्होंने कहा था कि ताइवान और तालिबान से
पीएम मोदी के लिए स्पेशल मशरूम आता है, जिसका एक मशरूम की जो कीमत है 80,000 रुपये है, उसका सेवन करते हैं, क्योंकि ये अभी भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हम देख सकते हैं कि त्वचा को कोमल बनाता है ना, और उनका ये दावा भी है कि नरेंद्र मोदी जी का जो गाल है वो गुलाबी और लाल होता जा रहा है, उसकी वजह मशरूम ही है ना। अजीब अजीब तर के चलिए, हम देखते हैं कि जो मॉइस्चराइजर त्वचा को की नमी को नष्ट होने से बचाता है, ये झुर्रियों को भी कम करता है। हम देखें कि मुहासों के इलाज में भी काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है, अगर मुहासा अगर हो रहा है तो आप इसका अधिक से अधिक सेवन कर सकते हैं, मगर लिमिट मात्रा में सेवन करें, दिन में एक बार ही इसका सब्जी के रूप में सेवन कर सकते हैं। और एंटीजन को प्रभावित करता है ये काफ़ी अधिकतर। मशरूम का जो अर्क होता है वो एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी एंजिन गुण होता है, जो त्वचा को ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम करता है, मतलब समय से पहले जो बूढ़ा होने से रोकता है। यह मशरूम काफ़ी फायदेमंद भी हो गया भाई। प्राकृतिक जो स्किन लाइटनर का काम करता है ये, जो कि मशरूम में जो फेनोलिक्स हो गया या पॉलीफेनोलिक्स हो गया या टेरपेनोडाइस हो गया, सेलेनियम हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गया, विटामिन हो गया, वोलाटाइल्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, जैसे तरह तरह के बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं जो त्वचा को काफ़ी अधिक ग्लो देते हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं, सॉफ्ट रखते हैं, मुलायम रखते हैं, उसके लिए होता है। त्वचा की जितनी भी समस्याएं हैं सबका निदान मशरूम के पास है। जी हाँ, बालों के लिए भी मशरूम के फ़ायदे काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर बाल झड़ रहे हैं तो झड़ने से भी कुछ सीमा तक इसके सेवन से रोका जा सकता है। इसको लगाना नहीं है, इसको खाना है मशरूम को, ठीक है। विटामिन डी जो एंटी ऑक्सीडेंट होता है, आयरन सेलेनियम होता है, कॉपर जिसे जो मिनरल एक अच्छा स्रोत माना जाता है इसके लिए, मतलब ये काफ़ी अच्छे होते हैं जो पोषक तत्व बालों की झड़ने की समस्या को दूर करने में, मतलब ये बिल्कुल निदान करता है उनका और झड़ने से रोकता है, क्योंकि इसमें कॉपर गुण होता है, मतलब कॉपर जो अधिक मात्रा में पाया जाता है मशरूम में, मतलब ऐसी सब्जी है जिसमें सबसे अधिक कॉपर पाया जाता है। तो खास कर जो पेरापुरु दिखा ना आपको, इसमें सबसे ज़्यादा कॉपर होते हैं, और कॉपर अगर हमारे बॉडी में कॉपर की कमी होती है तो हमारा जो बालों का विकास थम सा जाता है। जी हाँ, जो कॉपर रियल में जो बालों को विकास और मजबूती प्रदान करते हैं, और इनके कारण बाल काले ही रहते हैं, हालांकि ये तो अनुवांशिक भी होता है, मगर मशरूम के इतने फ़ायदे हो सकते हैं कि अगर मशरूम का सेवन करें तो वो काफ़ी बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। और क्योंकि बालों के लिए सेलेनियम का काम करते हैं, मतलब सेलेनियम सबसे ज़्यादा मशरूम में ही होता है और एक अच्छा स्रोत है सेलेनियम इसमें, तो हम देख सकते हैं कि सेलेनियम में लगभग 35 प्रोटीनों का घटक होता है, इसकी कमी से जो सिर के बाल झड़ते हैं वो भी कम कर देते हैं मशरूम। मतलब कुल मिला के देखते हैं कि पौष्टिक तत्व तो इसमें हम बात करें कि कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होता है, हम बात कर लें वसा प्रोटीन शुगर ये सब जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है ये सब इसमें मिल रहे हैं, नियासिन हो गया, राइबोफ्लोमिन हो गया, थियामिन हो गया, फोलेट हो गया, विटामिन B6 हो गया, विटामिन B हो गया, BD हो गया, ये D2 D3 भी हो गया, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मशरूम के साथ होता है। हम देख सकते हैं इसका उपयोग सूप में भी कर सकते हैं, सब्जियों में भी कर सकते हैं, मक्खन के साथ ग्रिल करके खा सकते हैं, बहुत सारे उपयोग हैं इसके, आप सभी जानते होंगे मशरूम की सब्जियां भी काफ़ी फेमस हैं। और इतना तो सब है कि मशरूम का नुकसान भी होता है भाई, मशरूम का नुकसान ये होता है कि आप सभी को मशरूम समझ के आप खा जाएं ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इसका जहरीला प्रभाव भी होता है कि मशरूम का जो सेवन करें तो उसको बकायदा जब सेवन करें तो फ्रेश होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का फंगस ना लगा हो, क्योंकि ये अधिक सड़ के गल ना जाए, मतलब जब इसका सेवन करें तो फ्रेश रहे ये, तो कोशिश करें कि इसका सेवन बहुत जल्दी कर लें, और ठीक है, क्योंकि इसमें कीड़े भी लगे होते हैं कहीं कहीं पर, मगर खासियत इस पेरापुरु की है इसमें कीड़े नहीं होते। जी हाँ, ये 12 महीने में से 4 महीने आपको मिलेंगे भरपूर, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट लाएगा ये। हम देख सकते हैं कि मशरूम में जो एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, प्रतिरोधक क्षमता बड़ा होता है, मतलब कुल मिला के हमने देखा कि ये विटामिन खूब रहेगा इसमें, और कैंसर रोधी तत्व तो पाए जाते हैं, मतलब कैंसर ना हो हमारे बॉडी में, कैंसर का जो सेल्स है वो उत्पन्न ना हो, उसको पहले से नियंत्रित कर देता है ये। सेलेनियम पाया जाता है इसमें। तो आज हमने देखा मशरूम का आयुर्वेदिक
एक उपयोगिता के रूप में विश्लेषण किया। तो इसमें हमने शोध भी किया कि ये डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए, मतलब जो मधुमेह है जिनको, उनके लिए काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद है। जो मोटापा से पीड़ित हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। कुल मिला के काफ़ी अच्छा सब्जी भी है, इसको ज़रूर खाइएगा, इतना टेस्टी लगता है ये वाकई, सभी सब्जियों का राजा। तो यहाँ जो हम आज का भाव बता दें, जी हाँ, मशरूम का आज का जो अभी यहाँ का रेट जो है, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ 300 रुपये किलो है, और शहर में तो ये तो 300 रुपये पाव मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू।